हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज फ्यूम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर जो है आप लोगों को शो करने वाला हूँ। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर की सहायता से आप अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है इसे अच्छे से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्ण अंक 70 है। निर्देश पे पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार अपनी उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। चौथा निर्देश सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद आपका पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो चार विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का कुछ चुनाव करना है। इसके बाद आपका खवाला क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पर भी चार विकल्प है, सही विकल्प का कुछ चुनाव करना है। इसके बाद आपका गवाला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो किस क्षेत्र में होता है आपको ये बताना है। यहाँ पर चार विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो यहाँ पर भी आपका चार विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका दूसरा जो प्रश्न है वह अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क वाला आप देख सकते हैं प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। घ वाला क्वेश्चन आपका है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। अंग वाला आपका क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद आपका लघु उत्तरी प्रथम प्रकार का जो है वह प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है। इसमें आपका क वाला प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, वाटसन तथा किक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलिक मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। इसके बाद आपका अंग वाला प्रश्न है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क वाला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। ख वाला क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। ग वाला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। घ वाला क्वेश्चन है, डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपका पांचवा का क वाला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ख वाला क्वेश्चन है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। ग वाला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, बैक्यूलो वायरेसिस क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं PCR पे लिखने के लिए आया है और प्रतिबंध एंजाइम पर, ठीक है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। ग वाला आपका क्वेश्चन है, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। घ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। इसी तरह दूसरा है, बाह्योष्मी और आंतरोष्मी, ठीक है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है।
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्रण कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन पूछा है, पुष्पी पादपों में बीजाणु जनन का सचित्रण कीजिए। और इसके बाद आपका जो है 8वां प्रश्न है, आनुवंशिक कुट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन पूछा है, मेंडल का लक्षणों के पृथककरण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह कह रहा है कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, या फिर अथवा करके किसी भौगोलिक क्षेत्र में जातीय क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यह था आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो है इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए कराया जाता है क्लास 12 का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।